हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6 से, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हम कैसे करते हैं। इसको हम बहुत डिटेल के अंदर क्लास में पढ़ चुके हैं और वो लेक्चर भी अवेलेबल है हमारे पास हमारे चैनल के ऊपर। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को एक्सप्रेस किया जा सकता है बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास मेंशन है, जिसके अंदर हमें पता है कि दिस ओमेगा एन इज नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड दिस जीटा इज द डैम्पिंग रेशियो, और इन दोनों की वैल्यूज़ को हम अभी एक्सप्रेस भी करेंगे। अगर आप देखें तो हम जब सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर सिस्टम को इधर उसका लगाएंगे, ब्लॉक लगाएंगे, तो हम उसके पर जो इनपुट देंगे उसके अंदर एक डैम्पिंग रेशियो होगा, एक स्टैटिक गेन होगा और एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा। ये स्टैटिक गेन उसका जनरल गेन होता है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये भी हम पीछे ट्रांसफर फंक्शन के अंदर देख चुके हैं कि किसी भी के स्टैटिक गेन से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट के अंदर वो एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सो ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का ट्रांसफर फंक्शन है। जब हम ये बना लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये आउटपुट कर देगा हमें, और फाइनली यहाँ पर हम ये ड्रॉ ट्रांसफर फंक्शन करेंगे। दिस इज द ब्लॉक ऑफ ड्रॉ ट्रांसफर फंक्शन जो हमें एक इक्वेशन दे देगा आउटपुट के ऊपर। ये इक्वेशन हमें यहाँ आउटपुट के ऊपर नज़र आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद ये अगर आप देखें तो हमने इनपुट के ऊपर स्टैटिक गेन की, डैम्पिंग रेशियो की और नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सो हमने बेसिकली ये देखना है कि अगर हम अपने सिस्टम के ऊपर कोई स्टेप रिस्पॉन्स देते हैं, यानी स्टेप इनपुट देते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो हम यहाँ पर जब स्टेप रिस्पॉन्स का ग्राफ लगाएंगे, और यहाँ पर चूंकि आपने इसको फर्स्ट ऑर्डर के बजाय सेकंड ऑर्डर सेलेक्ट किया हुआ है इस के अंदर, और यहाँ पर जब आप इसका स्टेप रिस्पॉन्स ग्राफ लगाएंगे तो अभी आपने इसको ट्रांसफर फंक्शन के तौर पर सेलेक्ट कर लेना। अच्छा, हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि हम इस सिनेरियो के अंदर हम देखते हैं कि हमने ये कहाँ से लिया, हम लैबव्यू का पैनल खोल लेते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास इसका हम इसको शो लेवल भी कर लेते हैं विजिबल। ये सीडी कंस्ट्रक्ट स्पेशल टीएफ मॉडल से, यहाँ पर जब आप जाएंगे इसके अंदर कंट्रोल एंड सिमुलेशन ब्लॉक के अंदर, और कंट्रोल एंड डिज़ाइन के अंदर, और मॉडल कंस्ट्रक्ट के अंदर, यहाँ पर आप देखें सीडी कंस्ट्रक्ट सीडी सीडी कंस्ट्रक्ट आपके पास मॉडल आ रहा होगा, सीडी कंस्ट्रक्ट ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, सीडी स्टेट स्पेस मॉडल, सीडी, ये आपके हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं। यहाँ से हम इस सीडी कंस्ट्रक्ट मॉडल को उठा लेंगे, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल को। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। हम चूंकि प्रीवियसली हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था, तो अब हम सेकंड ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमने हमने यहाँ पर अगर आप इस ब्लॉक को देखें तो हमारे पास इस ब्लॉक का जो लेबल है दैट इज सी डी ड्रॉ ट्रांसफर फंक्शन। ये बेसिकली सी डी ड्रॉ ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन का वो है, ब्लॉक है, और इसको हम कहाँ से लेते हैं, कंट्रोल एंड डिज़ाइन, कंट्रोल एंड सिमुलेशन ब्लॉक के अंदर जाके, डिज़ाइन के अंदर जाके, मॉडल कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट के अंदर जाके सी डी, ये जहाँ आपके पास ये हैंड बना हुआ आपका नज़र आ रहा होगा इसके अंदर सी डी ड्रॉ, ये आपके पास यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आ रही होती हैं। ये अगर आप देखें तो ये सी डी ड्रॉ स्टेट स्पेस है, यानी अगर आप यहाँ पर इसका आउटपुट के ऊपर ट्रांसफर फंक्शन के बजाय स्टेट स्पेस देखना चाहते हैं तो हम वो भी देख सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं इसके अंदर के अमेंडमेंट के हम स्टेट स्पेस का ब्लॉक लगा दें और वो जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है वो उसका स्टेट स्पेस हमें दे दे, लेकिन उसके लिए पहले हमें कन्वर्जन का ब्लॉक एक लगाना पड़ेगा जो कि उसको कन्वर्ट करेगा ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट स्पेस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर दूसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी डी ड्रॉ ट्रांसफर फंक्शन। सो इस ट्रांसफर फंक्शन के मॉडल को उठा के हमने यहाँ लगाया। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके इनपुट के ऊपर ये जो ये इनपुट है ये एक्चुअली आउटपुट आ रही होगी इस कंस्ट्रक्ट मॉडल से, यानी पीछे आपको एक कंस्ट्रक्ट मॉडल देना पड़ेगा जिसकी वो इक्वेशन लिखेगा आगे। सो ये हैंड वाला आइकन जहाँ भी बना हुआ रहा होगा ये आइकन आपको कोई चीज़ ड्रॉ करके देगा, यानी कोई इक्वेशन देगा। अच्छा, इसकी आउटपुट के ऊपर यहाँ पर जब आप डिस्प्ले यानी क्रिएट कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल इंडिकेटर करेंगे, तो ये आपको एक इक्वेशन देना शुरू कर देगा। एट द सेम टाइम आपके पास जो ये, तो हम ब्लॉक डायग्राम पे काम करें, फ्रंट पैनल के ऊपर हमें इक्वेशन भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ओके, सो हमने यहाँ पर बेसिकली देखना था कि हम स्टेप रिस्पॉन्स को प्लॉट करना चाह रहे थे, सही। तो
तो हमने उसको स्टेप रिस्पॉन्स को देखने के लिए हमारे पास हमने स्टेप रिस्पॉन्स को लेना है। सो उसको लेने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने अगेन कंट्रोल एंड सिमुलेशन के ब्लॉक के अंदर जाएंगे और कंट्रोल एंड डिज़ाइन के अंदर जाके मॉडल कंस्ट्रक्ट के अंदर जाके हम सीडी सॉरी हम स्टेप रिस्पॉन्स ये जो टाइम रिस्पॉन्स वाला है उसमें जाएंगे। और यहाँ पर आप देखें आपको स्टेप रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास इनपुट जो ट्रांसफर फंक्शन आया है उसके इनपुट के ऊपर इम्पल्स अप्लाई हो जाएगी। अगर आप सीडी स्टेप रिस्पॉन्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इनपुट ट्रांसफर फंक्शन आप ले रहे हैं उसके इनपुट के ऊपर स्टेप इनपुट अप्लाई हो जाएगी। सो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और इसको सिलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ इसको प्लेस करते हैं अगेन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होती है कि आप इसको स्टेट स्पेस ले सकते हैं या ट्रांसफर फंक्शन ले सकते हैं, या इन अगर आपको सिर्फ जीरो पोल्स दिए हुए किसी सिस्टम के तो आप वो भी ले सकते हैं। सो हम चूंकि अभी पीछे स्टेट स्पेस के ट्रांसफर फंक्शन के अंदर चल रहे हैं तो हम इसको ट्रांसफर फंक्शन के अंदर सेलेक्ट कर देंगे। ये भी क्लियरली शो करता है कि यहाँ पर जो इस सिस्टम के अंदर आपने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर लिया है यहाँ पर आप आउटपुट पे इसको स्टेट स्पेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये जो ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस कन्वर्जन है एंड स्टेट स्पेस कन्वर्जन टू ट्रांसफर फंक्शन कन्वर्जन है, ये हम क्लास के अंदर भी डिटेल के अंदर इसको पढ़ चुके हैं। ओके सो जब आप इसकी इसकी जो इनपुट होगी दैट विल बी फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। सो यहाँ पर हम ड्रॉ जो ट्रांसफर फंक्शन लगाया हुआ है दैट विल डिस्प्ले सम इक्वेशन। सो हमने इसे पीछे से ही एक इनपुट ले ली और इसको हम स्टेप रिस्पॉन्स को वही इनपुट दे रहे होंगे और वो यहाँ पर हमें जब हम यहाँ पर क्रिएट कंट्रोल इंडिकेटर करेंगे तो वो हमें एक स्टेप रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देगा। सो ये जो स्टेप रिस्पॉन्स ग्राफ है ये आपको क्लियरली अपने फ्रंट पैनल के ऊपर ये स्टेप रिस्पॉन्स ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है क्योंकि हम इसका पैरामीट्रिक डाटा देखना चाहते हैं। पैरामीट्रिक डाटा का मतलब ये है कि हमने इसका राइज टाइम फॉल टाइम और डिफरेंट इसका टाइम कॉन्स्टेंट वो सब कुछ देखना चाहते हैं। तो उस तक जाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अगेन उस कंट्रोल एंड डिज़ाइन यानी जहाँ से हमने इसको स्टेप रिस्पॉन्स को उठाया था कंट्रोल एंड डिज़ाइन में जाएंगे और टाइम रिस्पॉन्स के बजा के ये देखें सीडी पैरामीट्रिक वाले डाटा को हम उठा लेंगे। अगेन यहाँ पर आपके पास ये सेलेक्ट हुआ हुआ है स्टेट स्पेस एंड ट्रांसफर फंक्शन, तो हम बाय डिफॉल्ट ये स्टेट स्पेस पे सेट हुआ हुआ है लेकिन हम इसको ट्रांसफर फंक्शन पे सेट कर देंगे। सो ये जो आउटपुट हमें देगा वो टाइम रिस्पॉन्स ग्राफ की फॉर्म में टाइम रिस्पॉन्स का पैरामीट्रिक डाटा देगा, ठीक है। सो हम इस पैरामीट्रिक डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं। ओके सो हमने इस होल थिंग को इस सारी चीज़ को हमने एक वाइल्ड लूप के अंदर प्लेस कर दिया सो दैट कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये कंटिन्यूसली बिल्कुल आपको स्प्लिट ऑफ सेकंड के लिए नजर ना आए बल्कि ये कंटिन्यूसली नज़र आता है। सो यहाँ पर हम ये करते हैं कि टू स्टार्ट विद हम स्टैटिक गेन की वैल्यू को 1 दे देते हैं और ग्रेजुअली हम इसकी डैम्पिंग की वैल्यू को 0.1 और 0.2 इस तरह से वेरी करते हैं। सो हमें ये पता है कि हमारे पास जो डैम्पिंग की वैल्यूज़ होती हैं हम इसको पीछे भी देख चुके हैं कि जब आपके पास डैम्पिंग जो जीटा होता है उसकी वैल्यू वेरी करती है जो जीटा की वैल्यू दैट व्हेन दैट वेरीज दैट दैट लाइज ऑन जीरो जब वो उसकी वैल्यू जीरो होती है तो उस टाइम आपके पास यानी हम यहाँ पर इसको एक दफ़ा ब्रीफली रिकॉल भी कर लें दैट व्हेन जीटा इज इक्वल टू जीरो तो आपके पास सिस्टम बिल्कुल इस तरह से होता है यानी अनडैम्प्ड होता है। फिर आपके पास जब जीटा की वैल्यू जीरो से वेरी करती है बिटवीन 1 तो हम उसको कहते हैं कि ये अंडर डैम्प्ड है। यानी अंडर डैम्प्ड का मतलब ये होता है कि उसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से आता है यानी ऑसिलेशन आती हैं। जब 1 पे होगा ना 0 पे होगा ना यानी 0.1 0.2 इस तरह से हम लेंगे तो वो इसकी ऑसिलेशन काफ़ी बड़ी हमें विजिबल नज़र आ रही होंगी। जैसे जैसे ये क्लोजर टू यानी 1 को अप्रोच करता जाएगा यानी अगर हम जीटा की वैल्यू को 0.9 ले लेंगे तो वो हमें वेरी मच क्लोजर टू द रिस्पॉन्स लाइक दिस इस तरह के रिस्पॉन्स में या इस तरह के रिस्पॉन्स में नजर आएगा। एंड वन जीटा इज इक्वल टू 1 तो रिस्पॉन्स हमारे पास ये वाला हो जाता है क्रिटिकली डैम्प। एंड वन जीटा एक्सीड्स 1 तो हमारे पास रिस्पॉन्स ओवर डैम्प हो जाता है, ठीक है। सो हम यही चीज़ को देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर इसके अंदर स्टैटिक गेन को फिलहाल हमने 1 कर दिया है और हम इसको फिलहाल डैम्पिंग रेशो को 0 रखते हैं और नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं। और हम चूंकि इसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर
इसलिए दैट्स वाई हमने इसको एक लूप के अंदर प्लेस कर दिया। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप डैम्पिंग रेशियो को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास जो रिस्पॉन्स है दैट विल बी एन अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब तक मैं डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू नहीं बढ़ा रही, मुझे रिस्पॉन्स एक साइन वेव ही मिल रही है। ठीक है, और आपके पास ओवरशूट की वैल्यू 99% आ रही है। 99% इसलिए आ रही है कि वो मैं ओवरशूट किया हुआ है उसने, मैक्सिमम ओवरशूट पर। अब मैं ग्रेजुअली इसकी वैल्यू को बढ़ाना शुरू करती हूँ। हम बल्कि इसकी वैल्यू को 0.1 करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था द मोमेंट हम इसको 0.1 करेंगे तो हमारे पास इसका रिस्पॉन्स दे देखें। जैसे ही हमने इसको 0.1 किया तो हमारे पास इसका रिस्पॉन्स अंडर डैम्प की तरफ जाना शुरू हो गया। ये देखें, जैसे जैसे हम इसको 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसके अंदर ये जो अंडर डैम्प रिस्पॉन्स है ये ख़त्म होता जा रहा है। जैसे ये 0.8 और 0.9 के करीब पहुंचा तो ये बिल्कुल क्रिटिकली डैम्प के करीब हो गया। ठीक है, सो दिस कैन बी वेरीड बाय वेरिंग द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी को वेरी करेंगे तो हमारे पास, लेकिन ये बिल्कुल आपको 0.9 के ऊपर क्रिटिकली डैम्प मिल रहा है, ऑल्दो कि ये एग्जैक्टली 1 के ऊपर क्रिटिकल डैम्प होता है। और जैसे ही हम इसकी वैल्यू को 1 से एक्सीड करते हैं तो इसका बिहेवियर हमारे पास ओवर डैम्प हो जाता है। सो द मोमेंट आप इसको 1 से बढ़ाना करना शुरू करेंगे तो द रिस्पॉन्स विल बी ओवर डैम्प। सो आपको ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प के अंदर कभी भी ओवरशूट नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ओवरशूट की वैल्यू नहीं नजर आ रही। ठीक है, सो ओवरशूट आपको नहीं नजर आएगा, राइज टाइम की वैल्यू आपको नजर आएगी। ठीक है, और आपको स्टडी स्टेट की वैल्यू, गेन की वैल्यू तो ऑलरेडी नजर आ रही है, सेटलिंग टाइम की वैल्यू आपको नजर आ रही है कि कितने टाइम में सेटल किया है। सो ये सेटलिंग टाइम जो सा है ये हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा अगर हम इसकी डैम्पिंग रेशियो को थोड़ा सा कम करते हैं, यानी डैम्पिंग रेशियो को जीरो कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं सेटलिंग टाइम है ही नहीं, क्योंकि वो सेटल कर ही नहीं रहा था, वो अनडैम्प्ड है उसका बिहेवियर। सो हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा 0.1 या 0.3 को की तरफ देखते हैं, 0.3 है सपोज, तो हमारे पास इसका बिहेवियर कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पर देखें कि ये जैसे इसके अंदर ओवरशूट है, ओवरशूट ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू जो आपको नज़र आ रही होगी, जो यानी उसकी स्टडी स्टेट से जो ऊपर वाला वैल्यू होगा वो परसेंटेज के अंदर ओवरशूट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और सेटलिंग टाइम यानी ये कितने टाइम के अंदर सेटल किया, यहाँ आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली ये इस टाइम के अंदर 4.7 वाले टाइम के अंदर सेटल कर गया। ठीक है, और इसकी पीक किधर आ रही है, ये आपको पीक इसकी नज़र आ रही होगी, ये इसकी पीक है, ये पीक इसकी 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू के ऊपर आ रही है, ये भी हमें नज़र आ रही है। और इसकी पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड के ऊपर कहाँ आ रही है, दैट इज ये आपको देखें 1.4 से थोड़ी सी नीचे है, इसलिए 1.37 नज़र आ रही है। ठीक है, सिमिलरली राइज टाइम को आप 10% और 90% के दरमियान कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास था रिस्पॉन्स के हम टाइम रिस्पॉन्स देखना चाहें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का तो हम उसको कैसे देख सकते हैं। होप कि ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।